बाद भी फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एक शिष्टमंडल राज्यपाल भवन की ओर रवाना हुआ। इस शिष्टमंडल में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सचिन पायलट समेत कई नेता राजभवन की ओर रवाना हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी अपनी अपनी राय दे दी है। कांग्रेस विधायकों से बात की हमारे संवाददाता रहमतुल्ला खान ने। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक खत्म हो चुकी है, वहीं सीएम के चेहरों को लेकर लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हमारे साथ विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी भी सीएम चेहरे को लेकर संशय बरकरार है और काफ़ी कार्यकर्ताओं और पूरी जनता को भी इसका जो है इंतजार है। देखिए माननीय, हमारे पार्टी के अंदर हमेशा निर्णय है कि कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं रहा, इवन मोहनलाल सुखाड़ी जी के टाइम नहीं रहा, और जो भी निर्णय था वो आला कमान द्वारा किया जाता है। आला कमान ही इसका अल्टीमेट निर्णय करेंगे, लेकिन उन्होंने जो समस्त कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं उनकी उन्होंने ओपिनियन ली है इसके संबंध में, और वो ओपिनियन लेके वो चर्चा करेंगे आला कमान से, उसके बाद ही निर्णय होगा कि कौन सीएलपी लीडर होगी। आज पूरा दिन बैठक चली है, क्या कुछ विशेष कुछ किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है? मुद्दों पे कोई बात नहीं, वही निर्णय हर एक एमएलए से इंडिपेंडेंट ओपिनियन ली गई है, और उस बारे में कोई मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हुई। अभी वो गए हैं राज्यपाल महोदय के पास और उनके सामने दावा प्रस्तुत करेंगे जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए हैं, अविनाश पांडे हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, ये भी गवर्नर साहब के पास गए हैं राज्यपाल महोदय के पास, और उनके सामने दावा प्रस्तुत करेंगे कांग्रेस की सरकार बनाने का। दिल्ली तलब किए जाने की सूचना है, वो मॉर्निंग में जो हमारे हैं जो ऑब्जर्वर आए हैं दिल्ली से, वो और अविनाश पांडे जी दिल्ली जाएंगे, माननीय राहुल गांधी जी से जो विधायकों से फीडबैक लिया उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर अल्टीमेटली निर्णय होगा। 2019 लोकसभा चुनाव है, उनको लेकर के क्या कुछ किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई आज इन मुद्दों में बातचीत हुई? नहीं, उसको लेकर कोई। अभी पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में, किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस से लगातार घेरा, अब यही मुद्दे कांग्रेस के सामने आए तो कांग्रेस किस तरह से निपटेगी? तो घोषणा पत्र में ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद किसानों के कर्ज माफी कर दी जाएगी, खाद बीज पे सब्सिडी जो GST लगा वो हटेगा, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको 3,500 रुपये उनको स्टाइफंड देंगे, और जो बालिका शिक्षा है उसको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PG तक फ्री करेंगे, और ये इस तरह के महत्वपूर्ण उन्होंने लिए हैं। और जो हमारे संविदा पे जो करीब 1.5 लाख हमारे छात्र छात्राएं हैं उन सबको रेगुलराइज किया जाएगा, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं पार्टी द्वारा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जो फिलहाल जो विधायक चुनकर आए गए हैं और पहले 2008 में भी कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि जो अभी जो कांग्रेस सरकार है, बेरोजगार के मुद्दे है चाहे युवाओं के मुद्दे, उन पर निपटेगी और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज पूरा दिन जो गहमा गहमी चली रही है PCC मुख्यालय पर, और वहीं अभी तक भी सीएम के नाम को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हमारे साथ सुजानगढ़ के विधायक है मास्टर भंवरलाल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आज पूरे दिन मंत्रणा चली, क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस विधायक दल का नेता मन्ने राहुल गांधी जी पे छोड़ा जाता है, राहुल गांधी जी जिसको नेता बनाएंगे वो सभी विधायकों को मंजूर होगा। उसके बाद में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो ऑब्जर्वर आए हैं उन दोनों ने सोचा कि अपन सबसे मिल लेते हैं, तो सभी हमारे विधायकों से वो मिले, उनसे राय जानी, लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा, दूसरी और प्रकार की कई प्रकार की बातें भी उन्होंने की, चुनाव कैसे हुए, कैसे लड़ेंगे, क्या मुद्दे थे और कैसे इतनी कम सीटें कैसे आई, 100 सीटों पे कैसे अटकी कांग्रेस, ये सब मुद्दे उन्होंने जब पूछे तो ये सब जानकारी उन्होंने हम लोगों ने दी उनको, ये बात थी। और कोई लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, ये तो उन्होंने पूछा कि अपन मान लीजिए आज किन मुद्दों पर विधानसभा के चुनाव लड़े हैं तो अपने कौन से ऐसे मुद्दे लेने चाहिए, कौन सी इस प्रकार के काम लेने चाहिए जिससे आने वाले समय में 25 के 25 लोकसभा सीट हम जीत सकें। सीएम को लेकर के आपकी पसंद? देखिए, सीएम को लेकर के पसंद की बात नहीं है,
जब आला कमान पे छोड़ दिया गया, राहुल जी पे छोड़ दिया गया, तो राहुल जी की पसंद ही हमारी पसंद होगी। वो जिन नेता को घोषित करेंगे वो हमारे कांग्रेस विधायक दल के जितने भी मान्य सदस्य वो सबको मंजूर है। यानी ये जो सीएम का फैसला है वो अभी भी जो आला कमान पे छोड़ा हुआ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सीएम बन पाता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार आज पूरे दिन मंत्रणा चली, गहमा गहमी भी जो पीसीसी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक चली, उसमें किसी भी प्रकार का अभी भी सीएम को लेकर की अभी भी संशय बरकरार है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो खत्म हो चुकी है, अभी सीएम के नाम का ऐलान का इंतजार है। हमारे साथ वेद प्रकाश सोलंकी, नवनिर्वाचित विधायक, हमारे साथ मौजूद है। आज किस प्रकार से जो विधायक दल की बैठक हुई है, किस प्रकार की आगे की प्रक्रिया रहेगी? आगे की प्रक्रिया सबसे रायशुमारी की है आलाकमान ने, आलाकमान को जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट को राहुल गांधी जी को दिखाने की बात हुई है। सुबह तमाम पर्यवेक्षक वापस लौटेंगे, उसके बाद कोई फैसला। भाजपा के सरकार में जिस प्रकार से तमाम मुद्दे थे वही मुद्दे अब कांग्रेस के सरकार के सामने आएंगे, किस तरह से उनसे निपटेंगे? नहीं, मुद्दे आएंगे उनका सामना करेंगे। जो मुद्दे हैं जनता कांग्रेस के लिए संघर्ष, कांग्रेस ने संघर्ष किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो जो उनके मुद्दे थे वो पूरा कराने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के भी तैयारी हो? बिल्कुल, आज ही सबसे पहले यही बात हुई थी कि जो जीत के आए हैं वो अपने आप को ये समझने पड़ जाए दूसरा चुनाव उनको लड़ना है, और आने वाले आज ही समय से कल से ही शुरू कर दी गई है कि एमपी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, उनका यही कहना है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस अपनी बड़ी जीत रखेगी, इसके लिए भी कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में आज विधायक दल की जो बैठक है वो आज की जो दूसरे चरण की भी बैठक खत्म हो चुकी है, और वहीं कांग्रेस के विधायक हमारे साथ बांसू से विधायक है शकुंतला रावत, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आज विधायक दल की बैठक खत्म हुई, किस प्रकार की क्या कुछ चर्चा हुई और सीएम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है? नहीं, कोई इस तरह का संशय नहीं है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो निर्णय ले लेंगे वही हमें सबको मान्य है, और किसी तरीके का कोई आपस में कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार बन रही है, पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी तब तमाम जो मुद्दे थे वो बीजेपी के सामने थे, सरकार कांग्रेस ने जमकर के घेरा, अब वही मुद्दे कांग्रेस के सामने, किस तरह से निपटेंगे? जो मुद्दे पहले थे हम उन मुद्दों को एक एक करके सभी मुद्दों को, जो भी समस्याएं होंगी हमारे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका निराकरण करने का प्रयास करेगी और निराकरण करेगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। क्योंकि पिछली जब हमारी सरकार थी तो जो हमारी योजनाएं जो हमने लागू की थी वो बिल्कुल गांव और ढाणी तक पहुंची है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे फ्री दवा योजना हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे 108 की योजना, जन सुरक्षा योजना, जो भी हमारी योजनाएं थी बिल्कुल गांव और ढाणी को टच किया। लेकिन जो पिछली बार भाजपा सरकार थी उनकी कोई एक भी योजना ऐसी नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, कोई ऐसी योजना नहीं है कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बता सके कि हमारी सरकार ने ये काम किया। किसानों के मुद्दे हो चाहे महिला के मुद्दे हो, ये राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गहरा है, वो इस पर क्या किस तरह से निपटेंगे? नहीं, किसान के मुद्दे हो, युवा का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, हमारी सरकार बनते ही एक एक मुद्दे को लेकर के सीरियसनेस से उनको निराकरण करेंगे। तो ये हमारे साथ बांसुर विधायक शकुंतला रावत, इन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं तो उन पर जो है कांग्रेस जो सरकार है जो निपटने के लिए तैयार रहेगी, और आगे आने वाले बाद में भी उनको पूरी तरह से देखा जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर।